एवरीवन, आज है 16 मार्च 2021 और अभी बज रहे सुबह के 11:15। अभी अभी मेरे स्कूल से छुट्टी हुई है और मैं स्कूल से जाते हुए घर के रास्ते में ये ले लिए। घर वालों ने कहा था, मतलब घर वालों ने क्या ही कहा था, उनको एक सरप्राइज दूंगा, अब यहाँ खुश हो जाएंगे क्योंकि ये मिलते बड़े कम है यार, होते बहुत बढ़िया, मिलते कम है। तो अभी अभी मैं स्कूल से छुट्टी हुई है मेरी, फ्री हुआ ही हूँ। हाँ, जल्दी छुट्टी होगी आज स्कूल से, टेस्ट दे के भेज दिया सर स्कूल वालों ने। बाकी शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज का एडवेंचर, आज का एक्सपीरियंस। और अगर आसपास से थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो एक्सक्यूज मी, क्योंकि मैं बिल्कुल रोड के बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ तो ट्रैफिक का शोर आना जाया जाए। अभी मैंने देखा कि इनके पास एक और फ्लेवर भी है, तो शायद से दो को वो भी ले लूँ, लेके बता। दूसरा फ्लेवर भी ले लिया, आप लोग देख पा रहे होंगे मसाले वाला। अब निकल रहा हूँ मैं घर को, तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा घर पे। अब हम लोग घर आ गए हैं वापस अपने नटखट लेके, इसको हम रख देते हैं डाइनिंग टेबल पे। और आज की आइटनरी कुछ इस प्रकार है कि आज की कोई आइटनरी नहीं है, आज का बड़ा ही रैंडम डे होएगा। और ये लैग क्यों आ रहा है? हाँ, अब ठीक है। आज का बड़ा ही रैंडम डे होएगा क्योंकि आज हमारे पास करने को कुछ भी स्पेशल नहीं है। और हाँ, जो कल पनीर टिक्का बचा था, आज उसका पनीर टिक्का बटर मसाला। दरवाजा तो लगाने भूल गया, पनीर टिक्का बटर मसाला के चक्कर में हिसाब से बन चुका है। अगर बन गया तो आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ, बन गया, ये देखो, ये कल वाला पनीर टिक्का है हमारा, इनका पनीर टिक्का बटर मसाला, पनीर टिक्का बटर मसाला। मैं नटखट खाऊंगा और रेस्ट करूंगा, अब आराम से मिलते हैं आप लोगों से जब भी मैं रेस्ट करके फ्री होता हूँ। रेस्ट करके कौन फ्री होता है, फ्री होके लोग रेस्ट करते हैं। हाँ, समझ जो, बस जो समझ लो। बाय बाय। जो है हमारा खाना आ चुका है, रोटी सब्जी ये तड़के वाली दही, और वहाँ पे आराम से हम लोग देख रहे हैं सौरभ जोशी का मस्त एकदम पनीर टिक्का बटर मसाला, और ये क्या कहते हैं तड़के वाली दही खाऊंगा और अब सो जाऊंगा। ओहो भाई साहब, इतना मज़ा आ रहा है ना। लेकिन स्कूल में बैठ के थक गया मैं आज। स्कूल में चाहे 2 घंटे के लिए जाओ, बोर हो जाता है बंदा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में। अभी बच चुके हैं 2:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं मछलियां लेने, खाने वाली मछलियां नहीं, फिश टैंक वाली। वहाँ पीछे पप्पा पुंडी की सेटिंग कर रहे हैं, पुंडी सेटिंग क्या निकाल ही रहे हैं, क्योंकि हम चाहते तो उसी दिन भी फिशेस डाल सकते थे, लेकिन उस दिन जो फिश टैंक साफ करने आया था उसने मना कर दिया कि आप सेम दिन ना डाल लो, एक बार फिल्टर की रोटेशन बनने दो फिर डाल लो मछलियाँ। तो अब हम निकलते हैं सीधा मछलियाँ लेने और मिलते हैं आपको सीधा फिशेस की शॉप। इसलिए हम पहुँच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं था, हमारी सोसाइटी वाली मार्केट में ही। और मेरे बाल बिखर गए क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। अगर आपको हवा की डिस्टर्बेंस आ रही होगी सो प्लीज़ एक्सक्यूज़। और भाई साहब इनके साथ ही ना हेलमेट और ये अपना क्या कहते हैं जो राइडिंग जैकेट होती है इसकी दुकान, और इन्हें प्यारे प्यारे हेलमेट हैं इनके पास, आपको स्नीक पिक दिखाऊंगा। तो चलिए अब आपको मछलियों के शॉर्ट्स दिखाते हैं, हम पहुंच गए हैं। मछलियाँ हम लेके आ चुके हैं, फिश टैंक बंद हो गया और वहाँ पे किसी का फोन आ गया कंपनी वालों का। हमारी सारी नवी मछलियाँ डल चुकी हैं इस एरिया में, सारी नवी हैं और ये पुरानी है और ये पुरानी है। लाइट से जल रही है तो मैं थोड़ी सी लाइट साइड कर दूँ। फाइनली सारी नवी मछलियाँ डल गई है इतने प्रयास के बाद, और हम मछलियाँ लोकल इसलिए लेके आए क्योंकि ज़्यादा परेशानी ना हो मछलियों को, ज़्यादा देर थैली में ना रहना पड़े। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा नेक्स्ट शॉट में। फाइनली सारी नवी मछलियाँ डल गई है इतने प्रयास के बाद, और हम मछलियाँ लोकल इसलिए लेके आए क्योंकि ज़्यादा परेशानी ना हो मछलियों को, ज़्यादा देर थैली में ना रहना पड़े। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा नेक्स्ट शॉट में। चुके हैं शाम के 3:15 और हम लोग अभी आए हैं अपना थोड़ा बहुत सामान कैरी करने,
कुछ चीज़ हमने दे रखी और मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि समझा करो यार, हर जगह थोड़ी ब्लॉक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हो ही गया काम, सिर्फ एक बटन ही लगना था। कोई हमने चीज़ ली थी, मतलब क्या जीन ली थी, उसका बटन टूट गया, तो वही रिपेयर के लिए पता नहीं रिप्लेस हुई है, वो तो बाद में पता चलेगा। पिताजी हमारे अंदर हैं, तब तक हमने सोचा आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर ली जाए, और गुफ्तगू का निचोड़ ये रखा है, ये सिर्फ वन साइड टॉक है यार। वैसे हमें 30 दिन होने वाले हैं ब्लॉगिंग करते हुए, आपको पता लगा 30 दिन, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया हमें ब्लॉगिंग करते हुए, और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक तो। करना आगे भी ऐसा ही है। अब मिलते हैं आप लोगों से सीधा घर पे, तब तक आपको थोड़े बहुत मार्केट के शॉर्ट्स दिखाता हूँ। अब हम लोग घर आ गए हैं, गर्मी इतनी थी, बाल नोच नोच के, बालों की माँ बहन एक होगी। ओह भाई साहब, बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन जो अंडरवेयर भी है ना, वही भाई साहब हैं एकदम गीला गीला हो गया है, गंदा गंदा सा, सुसु करके नहीं पसीने करके। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा शाम में, अब तो मैं आराम से सोऊंगा, वैसे भी 3:30 बज गए और हमारी सारी मछलियां एक्टिव हो गई। शाम में दिखाता हूँ आप लोगों को, वाली मछली इतनी देर से कुछ नहीं कर रही, इसके पास आएगी प्रेशर से वापस चली जाएगी, अभी देखना। ये आई, ये गई, ये आई 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 वो ये गई वो। चुके हैं शाम के 5 और ई फ्रेम देख देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे, लेकिन अब क्या करें, अब हम आपके फ्रेम के चक्कर में नया घर थोड़ी लेंगे, तो इसी फ्रेम में एंजॉय करो। तो हाँ, अभी बच्चों के शाम के 5 और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, घर का कुछ सामान लेने, ग्रोसरीज वगैरह लेने। यहीं पे मेरे घर के पास एक नया होलसेल मार्ट खुला है और सुना है वहाँ पे काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है एज अ बेसिक इंडियन। हम देखेंगे डिस्काउंट को, और वहाँ पे भैया देख रहे हैं हमको भी, हाँ कि क्या कर रहा है, क्या चुतियाप्पा कर रहा है। भाई देखो, अगर मैं बीच बीच में कभी गाली दूँ तो एक्सक्यूज़ कर देना, कोई टेंशन नहीं है, चलती है, छोटी बहुत गालियाँ चलती हैं। तो अब मिलते हैं आप लोगों को सीधा उस होलसेल मार्ट में। फाइनली अब हम सुपरमार्केट में पहुंच गए हैं, ये वाली सुपरमार्केट है, आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अगर हम कुछ सामान लेते हैं तो दिखाते हैं, अगर नहीं लेते देन वील मीट यू व्हेन वी आर एट होम। फाइनली अब हम लोग घर आ गए हैं, ये सारा सामान हमने रख दिया, और थोड़ा भिंगा टेढ़ा होना पड़ेगा दिखाने के लिए। हाँ, सारा सामान हमने रख दिया, मम्मी देखो हंस रही है, यहाँ पे भिंगा टेढ़ा होना पड़ेगा। तो इसी नोट पे आज की वीडियो को करते हैं एंड, होप करता हूँ आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कल फिर मिलते हैं एक नवी जर्नी, एक नवे एडवेंचर और एक नवे एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट।